मैं नीरज और आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम है इस चैनल में। इसका नाम है टैली मेथोडिस्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अकाउंटिंग वॉचर्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे टैली में, कि हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं इस टैली में अकाउंट वॉचर के थ्रू। जैसे कि मैंने काउंटर बताया था, रिसीव, पेमेंट, परचेज, जनरल और सेल्स बताया था ना, तो उससे रिलेटेड हम जो भी एंट्री हमारे पास है उसको हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि हम टैली में जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एंट्रियाँ करते हैं, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मेरे थ्योरी लेक्चर को जरूर देखें, उसको देखते ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मेरे को विश्वास है। ठीक है, तो करिए, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन हो चाहिए ताकि हम टैली में रिकॉर्ड कर सके उनको कैसे एंट्री करते हैं ना। तो एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले पता ही है आपको कहाँ जाना होता है, अकाउंटिंग वॉचर्स में जाइए। आप अकाउंटिंग वॉचर में जाने के बाद आप एंटर मार दीजिए, ये आपके सामने आ गया अकाउंटिंग वॉचर्स F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हम चलेंगे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है, जैसे कि मैंने अपने ट्रांजेक्शन बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप कि सबसे पहली एंट्री हमारी स्टार्टेड माइनस, सबसे पहले एंट्री हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ना, कितने 1 लाख से। एंट्री को देखिए, ये एंट्री मैं पहले दोहरा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले भी मैंने ये एंट्री को डिस्कस किया था। अब हम इन एंट्रियों को टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ फोकस उसी पे रहेगा हमारा। देखिए, कैश अकाउंट हमारा डेबिट है टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर को देखोगे तो वहाँ पर मैंने हर चीज़ डिस्कस की थी, कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा। काउंटर में हमारा जाता है सिर्फ और सिर्फ जहाँ से हमारा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा हो, या कैश टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा हो, ठीक है, या हम निकाल रहे हो या हम डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो वो एंट्री इसमें आती है, काउंटर की है नहीं। पेमेंट में अगर किसी पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं या किसी खर्चे से रिलेटेड हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन पेमेंट वॉचर में आते हैं, पेमेंट में नहीं आएगा। रिसीव वॉचर, अगर किसी रिटर्न के बदले में या किसी पार्टी के बदले में हमारे पास कोई पैसा आता है वो रिसीव वॉचर में आता है, ये रिसीव वॉचर की भी ट्रांजेक्शन नहीं है। जनरल को हम बाद में देखेंगे। सेल्स परचेस का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल्स और परचेस हमेशा ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। बचा के हमारा जनरल, मैंने बताया था जो किसी में नहीं आए वो सब जनरल वॉचर में जाएगा। और मैंने एक बात और कही थी कि जनरल वॉचर में नॉन कैश एंट्री आती है, और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि नॉन कैश एंट्री के साथ आपको अगर कैश या बैंक की जरूरत है तो आप कैश और बैंक की रिलेटिव एंट्री भी जनरल वॉचर में कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको सारी एंट्री कैश और बैंक वाली एंट्री जनरल में डाल देनी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये एंट्री जनरल में जाएगी कैसे, देखिए, अब जनरल में जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनरल वॉचर में जाना, जनरल वॉचर में जाने के लिए राइट हैंड पैनल में देख सकते हैं आप, राइट हैंड साइड पैनल में F7 प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से, F7, ठीक है, F7 प्रेस करना है। F7 के बाद सबसे पहले मैं इसको चेंज करूं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आप फोकस करोगे और देखिए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखेगा, जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के वक्त, तो वहां पर आपको डेट का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए डेट कैसे चेंज करते हैं, डेट हमेशा F2 शॉर्टकट की है डेट की। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कर दीजिए और अपनी डेट चेंज कर दीजिए, ठीक है। जौन सी भी आपको डेट चाहिए वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए, ओके। F2 इसकी शॉर्टकट की है, F2, इसको याद रखिएगा डेट चेंज करने की। अगर आपको पीरियड चेंज करना है, पीरियड मतलब 17-18, 18-19, ये पीरियड चेंज करना है तो ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करना है, तो वो पीरियड चेंज करने की एंट्री होती है, ओके, हमें पीरियड चेंज नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है डेबिट अकाउंट पूछ रहा है। यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला अकाउंट हमसे क्या पूछ रहा है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है सबसे पहले हम लें क्या।
तो इस बात का जरूर ध्यान रखना हम, और पहले वाला हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, ये नीचे वाले हम चेंज कर सकते हैं, क्रेडिट को हम डेबिट बना सकते हैं और डेबिट को क्रेडिट कर सकते हैं, बट जो पहला वाला स्टेप होता है इसको हम डेबिट से क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा। अब देखिए डेबिट पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो पहले से अकाउंट बने होते हैं। अब यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कैश हमारे पास शो हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो हमें कैश यहाँ पे शो कराना पड़ेगा, ठीक है। कैश यहाँ पर लाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, F12 प्रेस कर दीजिए कॉन्फ़िगर के लिए F12, और आपको नीचे आना है यहाँ पर अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर को, इसको करना आपको सिंपली यस, और कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं कि कैश हमारा अब शो होने लग गया वही जनरल वाउचर में, तो जनरल डेबिट में कैश सेलेक्ट करके आपको एंटर मार देना है, कितना 1 लाख, यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है 1 लाख, और यहाँ क्रेडिट साइड क्या डालना है, क्रेडिट साइड देख ही सकते हैं आप, हमें क्या डालना है क्रेडिट साइड, टू कैपिटल, टू का मतलब यहाँ पे क्रेडिट होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखेगा, ठीक है, टू का मतलब यहाँ क्रेडिट होता है, तो टू कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं बनाओ तो हम बनाना पड़ेगा। देख लेजर बनाना मैं नहीं सिखा रहा, लेजर बनाना मैं पहले बना सिखा चुका हूँ, तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, कैपिटल, ओके, कैपिटल के अंदर जाएगा और इसको कंट्रोल ए सेव कर दीजिए, कितने से 1 लाख से, ओके। और यहाँ पर आप नरेशन दे सकते हैं, देखिए नरेशन होती क्या, नरेशन होती है जो आपका ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन के यहाँ पर लिखना, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, ताकि ऐसी होती कभी कभार ना कन्फ्यूजन होती है कि हमें ट्रांजेक्शन की जो एंट्री होती है, एंट्री तो समझ में नहीं आती बट ट्रांजेक्शन में सब कुछ पता चल जाता है कि एक्चुअली में एंट्री बताना क्या चाहती है। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रुपीज डाल सकते हो आप जितना आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये होता है ट्रांजेक्शन, इसी को कहते हैं हम नरेशन, ओके। ये हमने कर दिया सेव, ओके, पहली एंट्री हमारी है कंप्लीट, दूसरी एंट्री क्या कह रही है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश और बैंक अगर दो ट्रांजेक्शन ही दिख रहे हैं आपस में, कैश और बैंक इफेक्ट दोनों हो रहे हैं एक साथ दोनों कैश और बैंक इफेक्ट हो रहे हैं, तो सिंपली कुछ मत सोचना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा की एंट्री होती है, ओके। तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है, कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, F4, ओके। तो यहाँ पे आ गए आप कॉन्ट्रा वाउचर पे, सॉरी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर तो यार कोई ना डेबिट है ना क्रेडिट है ना, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है अगर जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और जो टैली पहली बार सीख रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये होता है सिंगल एंट्री मोड, ठीक है, सिंगल एंट्री मोड में ये होता है कि वहाँ पर एक अकाउंट इफेक्ट होता है, वहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं सो होता, बट यहाँ पे हम डबल एंट्री सिस्टम करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट से समझना है। तो अपने विंडो पे F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पर देख ही सकते हैं यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर, इसको कर दीजिए नो, ठीक, और सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, एक तो क्रेडिट आ गया, एक डेबिट। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला हमसे पूछ रहा है क्रेडिट अकाउंट CR, क्रेडिट अकाउंट हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टू कैश, तो आपको क्रेडिट अकाउंट लेना है टू कैश, कितना 20,000। डेट का जरूर ध्यान रखिएगा, डेट चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे हमने डेट चेंज कर दिया 2 अप्रैल 20,000, अब इसको आप क्रेडिट भी कर सकते हो, ठीक है, बट आप पहला जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर चेक नहीं, चेंज नहीं कर सकते, और डेबिट हमें किसको करना है, टू बैंक, डेबिट करना है बैंक को, तो यहाँ पे हमें बैंक बनाना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस सी से बैंक बनाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और अंडर बैंक के, ओके, और अकाउंट नंबर जो भी है वो डाल के आप सेव कर दीजिए और 20,000 दे दीजिए, और यहाँ पे कैश पता ही है, कैश यहाँ पे जिस नोट दे रहे हो, जैसे देख हम 20,000 है, यहाँ पे 10 नोट है 10,000 के, तो 20,000 हो गए टोटल डिफरेंस, बैंक स्पेसिफाई नेम डाल दो जिससे हो रहा है, हमें कहते हैं नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हो सारी की सारी, यहाँ पर आप निरेशन दे सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप यहाँ पे निरेशन वही होती है जो ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन को यहाँ पे लिखना ही निरेशन होती है, ओके, आप सिंपली इसको कर दीजिए सेव, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी है, नेक्स्ट एंट्री है कि परचेज एनी एसेट्स एट चेक,
अब देखिए यहाँ पर हमने परचेज जो करी है एक एसेट्स खरीदी है, ना कि कोई गुड्स खरीदा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो परचेज में तो आ ही नहीं सकती, परचेज वाउचर में नहीं आएगी ये, क्योंकि हमने फिक्स एसेट्स खरीदी है। ठीक है, तो आप कौन से वाउचर यूज करोगे? जनरल वाउचर का। ठीक है, बट परचेज वाउचर में भी हम एसेट को खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद सकते, बट खरीद सकते हैं। बट जब प्रॉपर की बात आती है तो परचेज जहाँ पे यूज होती है ना ट्रेडिंग के लिए, तो वहीं पे यूज करनी चाहिए, क्योंकि हम जनरल वाउचर में अपनी एसेट दिखा ही सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परचेज सबसे पहले क्या करना है, आपको डेबिट एसेट को आपको डेबिट करना है, जैसे एसेट और प्लस ही करके फर्नीचर। ओके, हमने बना लिया, फिक्स एसेट से हमारी, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए यूज हो रही है, इस पर कोई जीएसटी लग रहा तो वो जीएसटी लगाइए। अभी हम कोई भी जीएसटी एसटी लगा के नहीं समझाएंगे, अभी हम सिंपली अकाउंटिंग कि आप रिकॉर्ड कैसे करते हो उस पर, ठीक है, वो करेंगे। और बेसिकली हमने अपने पिछले लेक्चर में अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भी सीखा है ना, और अपनी जीएसटी जो टैक्स रेट है उसको भी सेट किया है हमने। ओके, ये सारी डिस्कस हमने डिस्कस कर रखा है, कितने से, 50,000 से, 50,000। और किसके थ्रू खरीदा हमने, टू बैंक, इसका मतलब क्रेडिट किसको करना है हमें, बैंक को। तो बैंक हमारा चॉइस करना है यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने 50,000 से। अब यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेड कलर का दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि ये जो बैंक है वहां पर हमारा नेगेटिव बैलेंस आ गया 30,000। ओके, नेगेटिव बैलेंस। और देखिए इंस्ट्रूमेंट नंबर, देखिए इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है जो चेक का, अगर नीचे देखोगे आपके नीचे डिजिट होते हैं, तो जो सबसे पहले 6 नंबर होते हैं वो चेक नंबर होते हैं। ओके, ये अलग ही होते हैं, 6 नंबर अलग होते हैं, फिर कुछ अंक होते हैं, फिर कुछ अंक होते हैं, बट जो पहले अंक होते हैं उसी को इंस्ट्रूमेंट नंबर कहते हैं। ठीक है, अकाउंट इसको सेव कर देना है, और यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देना, ये हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, अब देखिए इसने कहा हमने कोई एसेट खरीदी एसेट है, मगर किसी पार्टी से खरीदी है। अब देखिए इसमें ना कैश इफेक्ट हो रहा है, नो बैंक इफेक्ट हो रहा है, तो ये ऐसी एंट्री हमारी जनरल में तो जाती ही जाती है, तो जनरल वाउचर का तो वैसे ही यूज कर रहे हैं। अब देखिए फर्नीचर ये हमने खरीद लिया, कितने का, 40,000 का। ठीक है, तो हमने अगर हमने उधार खरीदा तो हमने अपना क्या बना लिया, हमने क्रेडिटर बना लिया एक, तो यहाँ पे आपको क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखे हमने एसेट तो हमारे पास आ गए, बट जिसको मैं पैसा देना उसका भी तो अकाउंट बनना पड़ेगा, तो टू में आपको क्रेडिट करना क्रेडिटर का, हमें यहाँ पे मिस्टर सोहनलाल, ठीक है, ये कौन हमारा संडी क्रेडिटर। ओके, ये हमारा संडी क्रेडिटर से, क्योंकि हमें इसे पैसा देना है, इसकी पूरी डिटेल डालनी है और सेव कर देना है, 40,000। अब देखिए ये होती है असली मेन चीज, मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, जो बिल होते हैं उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ही चीज समझाता हूँ तुम्हें, देखिए अगर टाइप ऑफ रेफरेंस, ये टाइप ऑफ रेफरेंस एडवांस, एडवांस का मतलब होता है कि आपने जो क्रेडिटर्स है उसको पहले से एडवांस पैसा दिया हुआ है। ओके, एडवांस पैसा दिया हुआ है तो उसके बदले में हम कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये देखिए मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, अगर हमने कोई एडवांस में पेमेंट की होगी तो यहाँ पर आपको एडवांस में एडजस्ट करने के लिए कहेगा। अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने जो क्रेडिटर उससे पहले से ही माल खरीदा हुआ है और वो उधारी पे चल रहा है, अब जो हम पेमेंट करेंगे वो इस अगेंस्ट बिल को चॉइस करेंगे। अगर हमने पीछे कोई ट्रांजेक्शन हमारा छूटा हुआ है उस पार्टी से रिलेटिव और हम उसका भुगतान कर रहे हैं तो अगेंस्ट बिल वहां पे चॉइस करना है, और अगर हम नया ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर हम नई खरीद कर रहे हैं या नई सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपको न्यू रेफरेंस लेना है। ओके, ऑन अकाउंट तो ऐसी होती है जो जैसे ना किसी बिल से मेंटेन नहीं करना होता है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट से होता है, ये बिल कोई मेंटेन नहीं करता। अभी तो हमारा फिलहाल न्यू रेफरेंस है, तो न्यू रेफरेंस में देना, और नेम में मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे नेम का मतलब नाम देना नहीं होता है, यहाँ पे नाम देना सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस नंबर होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, डेट तो मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन को सेव कर दीजिए कंट्रोल प्लस ए से। ओके, हमने कोई उधार माल भी खरीद लिया। अब देखिए पेड फॉर एनी एक्सपेंस 7500,
ठीक है, हमने किसी खर्चे की पेमेंट की है तो किस वोचर में जाएगा? आप देखिए, पेमेंट की हमने किसी का तो पेमेंट वोचर में जाएगी, अगर हम किसी से रिसीव करते तो रिसीव वोचर में, ये तो सिंपल ही है। तो आप एक्सपेंस को करोगे डेबिट और टू कैश या बैंक जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट वोचर पे जाइए F5 प्रेस करके, है ना। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस का बनाएंगे। अब मान लो कि हमने स्टेशनरी का बना लिया, स्टेशनरी हमारी इंडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंस पे लेना है। अगर इस पे कोई टैक्स भी लग रहा तो आपको टैक्स देना है। और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ यहाँ पे हम किस लिए यूज करते हैं, इनवॉइसिंग का, डिस्काउंट का मैंने अभी तक नहीं बताया, तो उसको नोट अप्लाई करके इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। कितना? 7500। उसने कहा है या तो कैश से पेमेंट की होगी या चेक से। हमने कहा भाई हमने कैश से पेमेंट किया है, ओके, कैश से पेमेंट कर दी और यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया होगा। और ये जो सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस के एक्सपेंस हो रहे हैं, ध्यान रखना, बिजनेस की जो कैपिटल हुई थी उसी से। और सेकंड नेक्स्ट है हमारा सोल्ड या सेल एनी एसेट्स। अब देखिए हमने कोई एसेट्स बेची है, ठीक है, तो एसेट बेची है तो सेल्स वाउचर में नहीं आएगा, बट हम ला सकते हैं, मगर हम उसमें नहीं लिखेंगे, हम जनरल वाउचर में लिखेंगे। तो देखिए अगर हमने कोई एसेट बेची होगी तो उसके बदले में हमारे सामने वाली पार्टी ने हमें कैश या बैंक जरूर दिया होगा, ओके। तो जो हमारे पास बिजनेस में आता है उसको हमेशा डेबिट करते हैं और जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल वाउचर में जाना है ना, डेट चेंज कर देनी है 1 मई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमारा, मान लो कि हमारे पास बैंक आया, क्योंकि बैंक हमारा नेगेटिव चल रहा था आपको पता हो, तो यहाँ पे बैंक में हमारे पास पैसा आ गया 45,000, ओके। जैसे ही एंटर मारोगे तो वहां से आपके पास चेक की डिटेल मांगेगा, तो आपको चेक की डिटेल डालनी है और किस बैंक के थ्रू आया वो भी आपको यहाँ पे देना है। वैसे इस फाइल पे बैंक करोगे तो यहाँ बैंक नेम दे सकते हो, जैसे स्टेट बैंक का ही चेक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसी बैंक का चेक था, हमने दे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नेगेटिव था 30,000 नेगेटिव था, जैसे हमने यहाँ पर देखिए 45,000 डाला, वही हमारा बैंक 15,000 से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, जहां पे 30,000 नेगेटिव था अब यहाँ पे हमारा 15,000 डेबिट हो चुका है। और टू क्या करना है, हमारा जो बिजनेस से गया है, क्या गया, फर्नीचर गया होगा क्योंकि हम फिक्स एसेट बेच रहे हैं, ठीक है, हमारी हमें कुछ काम की नहीं, हमने फिक्स एसेट बेच दिया है 45,000 की, ओके, तो ये हमने एसेट बेच दिया है, ठीक है। इस तरीके से हम सेल्स परचेज की एंट्री हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी है सोल्ड, वही है बट कैश की जगह हम उधार पे माल बेच रहे हैं, ओके, उधार पे माल बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना डेटा बना रहे हैं क्योंकि वो हमें पैसा देगा, ठीक है। तो ऑल प्लस ही करके मिस्टर राकेश मान, ओके, ये कौन है हमारा सेंड्री डेटर, ओके, और इसकी डिटेल डालने के साथ ही इसको सेव कर दीजिए। कितने? 54,000, आपको 54,000 अमाउंट डाल देना है। और ये मैं समझा चुका हूँ, ये न्यू रेफरेंस लेना है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर लेना है आपको और सेव कर देना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, फर्नीचर 54,000 का। अब यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हमारे पास पहले यहाँ पे कितनी 45,000 यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा था, अब नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि हमारे पास फिक्स एसेट उतनी है नहीं जितनी कि हम बेच रहे हैं, ओके, तो यहाँ नेगेटिव है, क्रेडिट का मतलब नेगेटिव है, ओके। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि, और मैंने एक रूल्स और बताया था, एडवांस रूल, अगर हमारी फिक्स एसेट बढ़ रही हो तो उसको डेबिट करते हैं, अगर हमारी फिक्स एसेट कम हो रही हो तो उसको डिक्रीज करते हैं, ये वही रूल फॉलो करता है, यहाँ पे देख ही सकते हैं ना, ये हमने सेव कर दिया। अब लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स। अब देखिए हमारे पास डेटर से पैसा आया है, अब हमारे पास डेटर से पैसा आया है तो हम किस वाउचर का यूज करेंगे, सिंपल ही रिसीव वाउचर का। तो F6 प्रेस करके रिसीव वाउचर पे जाइए, रिसीव वाउचर पे गए, अब रिसीव वाउचर्स में क्या जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले पूछा है क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे मिस्टर जो डेटर था उसको हम डेबिट कर क्रेडिट करेंगे, कितने से, 2000 से, और 2000 से यहाँ पे कम हो जाएगा, क्या करेंगे अगेंस्ट बिल, देखिए अब हमने इसको सेल्स कर रखी पहले से है ना, तो हम अगेंस्ट बिल करेंगे, किस बिल के, हमें इससे, कितना 2000, तो इसलिए हम 2000 यूज किया, तो उसका कितना बैलेंस बचा 52,000, पहले 54 था, 2000 अगेंस्ट उसके हो गए,
उससे में हो गए वसूल कर लिए गए तो 54,052 हमें और देने हैं, ठीक है। और टू क्या, टू 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 क्या, कैश, क्योंकि पार्टी से हमारे पास कैश आया है, ठीक है, 2,000 हमारे पास कैश आ गया और हमने कर दिया सेव। अब जो हमारा बचा है, एक तो हमारा अकाउंट बचा है सेल्स का और एक बचा है परचेस का। अब देखिए परचेस वाउचर पर जाइए F9 प्रेस करके, देखिए जैसा कि ये डिफरेंट स्क्रीन आपको देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर आपको पता ही होगा कि जो वाउचर का नंबर होता है वो इनवॉइस नंबर, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये डेट है, इफेक्टिव डेट है। पार्टी नेम, अब देखिए पार्टी नेम, आप ये भी सोच रहे होंगे यार यहाँ तो डेबिट क्रेडिट कुछ है ही नहीं, ठीक है, मगर जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं वो इसी इनवॉइस का यूज करते हैं, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। पार्टी नेम, पार्टी नेम में क्या आएगा, जिससे हमने माल खरीदा है वो कौन होगा, वो तो होगा हमारा क्रेडिटर जो कि सोहन लाल सिंडिकेटर्स, ठीक है, उसकी डिटेल ले ली आपको, ओके। परचेस लेजर, अब देखिए परचेस लेजर का यहाँ पे मतलब है कि अगर हमने कोई गुड्स खरीदा है तो वहां पर आपका परचेस लेजर है या नहीं, जो इफेक्ट होगा आपका, जैसे आप सेल्स कर रहे हो तो यहाँ से आपसे लेजर पूछेगा सेल्स लेजर, अगर आप परचेस कर रहे हैं तो यहाँ से परचेस लेजर। तो आपको सिंपली क्या करना, ओल्ड प्लस सी करके एक परचेस का लेजर बना देना है अंडर परचेस के ही, ठीक है, परचेस अकाउंट के। और यहाँ से आपको जीएसटी नहीं देना है, अगर आप यहाँ पे जीएसटी नंबर देते हो, जीएसटी टैक्स हेड, तो अगर आप जैसे हमने यहाँ पे 18% दे दिया है, अगर हम आगे आने वाले ट्रांजेक्शन पर 12% का करेंगे तो वो 12% नहीं होके 18% ही करेगा। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा टैक्स कभी सेट मत करना, जीएसटी टैक्स रेट कभी सेट मत करना अगर आप मल्टीपल में डीलिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है। सेम परचेस ले लिया, अब पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, हमारे पास है आमला प्लस, अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि हमने आइटम बनाया कैसे, ऑल्ड प्लस सी करके ही बनाया है, ठीक है, और हमने आइटम क्रिएशन के वक्त हमने सारी जितने भी इससे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन थी सारी फील्ड करी थी, अच्छे से समझे थे, 2-3 लेक्चर इसके ऊपर अच्छे खासे, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखें, ठीक है, आमला प्रेस, ठीक है, ये मार्जिन सब कुछ मैंने सेट किया हुआ है इस पे, गोडाउन सब कुछ बताया हुआ है मैंने यहाँ पे। 12 बोटल ले लेते हैं, और जो इसका रेट है 12 बोटल का, यहाँ पे ले लिया 12 बोटल का जो रेट है मान लो 120 रुपया है, ठीक है, मतलब कि पर बोटल 120 रुपये बोटल है, ठीक है, तो 1440 का हमारे पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। अगर इसमें और आपको क्या कहते हैं उसको और आइटम इसमें ऐड करने हैं तो ओल्ड प्लस के करके आप यहाँ पे आइटम बना सकते हैं, ना अदरवाइज आपको नीचे आना है। आप देखिए यहाँ पर नीचे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो, है ना, CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है, जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही जाते हैं। यहाँ से जीएसटी लेना है, सेंट्रल टैक्स कितना, 18%, ये 9%, ठीक है। राउंडिंग मेथड अभी नहीं बताया मैंने आपको, मैंने कहा था आगे बताऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। और यहाँ से बनाना है SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स 9%, क्योंकि हमारा आई जो GST है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट में, ठीक है, और IGST स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वहाँ पर हमेशा IGST कटता है, भले ही वो अपने ही स्टेट में क्यों ना सेल कर रहा हो, ओके, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना टैक्स कट गया है। अब देखिए वहाँ पे देखिए कटा है 130 और यहाँ पे कटा है 129.60, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर राउंडिंग मेथड का इफेक्ट आ गया है, ठीक है, मगर जो नया वर्जन जो आया है वहां पर राउंडिंग मेथड को बहुत इजी तरीके से बना दिया गया है, वहां पर अपने आप ही राउंडिंग होगा, ठीक है, वहां पे अपने आप ही राउंडिंग होगा। अगर आपको देखना है कि यहाँ पर कितना रेट कटा है परसेंटेज पे, यहाँ पे दिख तो रहा है बट हम देखना चाहते हैं कि कितना रेट कटा है, तो टैक्स एनालिस्ट पे ऑल्ट प्लस ए प्रेस कर दीजिए और ऑल्ट प्लस F1, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे पास कितना 9% इतना कटा है, एक्चुअली में इतना कटा है।
बट जो हमारा भार शो हो रहा है वो 130 रुपए कट रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमने राउंडिंग मेथड सेट किया हुआ है नॉर्मल 1 रुपए से, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर हम सेल्स वोचर की बात करें, अगर आपको कोई डिस्काउंट भी देना है तो डिस्काउंट भी आप यहीं पे देकर चलोगे, ठीक है, जैसे ओल्ड प्लस ही करके डिस्काउंट बना लो, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट हमारे लिए तो इनकम होगी, ठीक है, हम परचेस कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट इनकम ले लेते हैं, ले लिया और इसको सेव कर दीजिए, कितना रहा? हमने कहा था 1%, ठीक है, तो 14 रुपये यहाँ पर आपको माइनस में दिखाना पड़ेगा, अगर आपको डिस्काउंट देना है तो वो माइनस में दिखाना पड़ेगा, वो 14.40 पैसे यहाँ पर लेस होके दिखाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी खर्च यहाँ पे जोड़ने हो तो आप यहाँ पे नहीं दिखाओगे, हमेशा इसके नीचे दिखाओगे, ठीक है। जैसे ही आइटम खत्म होगा, जैसे हमने सी जीएसटी देना, यहाँ पे आप डिस्काउंट देंगे और खर्चे जोड़ोगे, उसके बाद आप टैक्स लगाओगे, इस बात का जोर ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम सेल्स वाउचर की बात करें तो सेल्स वाउचर एफेट, ठीक है, बिल्कुल सेम ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सेम, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस नंबर देना जो इनवॉइस नंबर होता है, यहाँ पर आपको डेटर की डिटेल देनी है जो राकेश मान है, ये डेटर्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको सेल्स लेजर बनाना ओल्ड प्लस ही करके, ना जैसे मैंने बताया था, सेल्स अकाउंट और यहाँ पे सेव कर देना आपको, ठीक है, सेल्स बना लिया अमला भाई, ठीक है, हमने सेम बिल्कुल सेम करा है, टैक्स भी देखिए अपने आप ही कटा है, यहाँ पर करना कितना 130, ओके, बिल्कुल परचेस और सेल्स बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है, बस और सिर्फ फर्क बस इतना है कि सेल करने से माल हमारा बिजनेस से बाहर जाता है और परचेस करने से बिजनेस में हमारे पास माल आता है। अगर हम इसी ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल प्लस वी, देख सकते हैं एज ए वाउचर, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, तो इस तरीके से आप डेबिट क्रेडिट पाओगे और इस तरीके से आपको पूरी डिटेल मिलेगी। यहीं पे आपको जो सेल्स की एंट्री होती है वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो जैसा कि आपको सॉल्व होते हो, बट जो नॉन ट्रेडिंग का काम करते हैं वो हमेशा ही इसी वाउचर का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं वो इनवॉइस का यूज करते हैं, इनवॉइस अकाउंटिंग का यूज करते हैं, जो नॉन ट्रेडिंग काम करते हैं वो एज ए वाउचर यूज करते हैं, इस बात का जोर ध्यान रखना। अभी हम इस लेक्चर को अब यही खत्म करते हैं, अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ समझ ना आया हो तो हमारे जरूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एंड गुड बाय।